नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज रूबी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानिए कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने विदेशी कोयले की खरीद पर लगाई रोक, निजी क्षेत्र के बिजली उत्पादक भी नहीं कर सकेंगे आयात। राज्य सरकार के द्वारा विदेशी कोयला खरीदने की अनुमति न दिए जाने से निजी क्षेत्र के स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को भी संबंध में निकाले गए टेंडर निरस्त करने होंगे। कारण है कि आयातित कोयले से बिजली महंगी होने से किसी भी प्रकार की भरपाई न सरकार और न ही पावर कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाएगा। विदेशी कोयले से 1 रुपये यूनिट तक बिजली महंगी होने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने नियामक आयोग में याचिका दाखिल कर आयातित कोयले पर रोक लगाने की मांग की थी। वृंदावन में श्रद्धालुओं को मिलेगा मुफ्त भोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे अन्नपूर्णा भोजनालय की शुरुआत। तीर्थ नगरी वृंदावन के लिए कहा जाता है कि यहां कोई भूखा नहीं सो सकता। यहां के मंदिर मठ और आश्रम के भंडारों में हर श्रद्धालु की भूख मिटती है। रेस्टोरेंट और होटलों में हर प्रकार के व्यंजन सस्ते दामों में भी उपलब्ध हैं। आज तीर्थ नगरी में नई पहल हो रही है। देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को सुपाच्य और पूरी तरह से निशुल्क भरपेट भोजन की व्यवस्था यहां पर होगी। हर दिन करीब 5,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था यहां पर की जा रही है और ये व्यवस्था तीर्थनगरी में मथुरा मार्ग से जयपुर मंदिर के सामने तीर्थनगरी में होगी। आगरा मथुरा पर्यटकों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार चलाएगी हेलीकॉप्टर टैक्सी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर टैक्सी चलाने का निर्णय लिया है और जल्द ही आप आगरा मथुरा जैसे शहर में हेलीकॉप्टर टैक्सी का लुत्फ उठा पाएंगे। योगी सरकार के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आगरा और मथुरा में हेलीपैड पीपी के तहत निर्मित किए जाएंगे। इसके बाद कान्हा की नगरी मथुरा और आगरा की यात्रा हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर टैक्सी का भुगतान कितना होगा यह अभी तय नहीं है। पहले चरण में 4 जिले वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, आगरा शामिल हैं। सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा शुरू कर रही है। सरकार से राशन लेने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव अगले महीने से लागू होगा। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप हर महीने इसके जरिए सरकार से फ्री राशन लेते हैं तो ये खबर आपके बड़े काम की है। दरअसल सरकार की तरफ से राशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव को जून महीने से लागू किया जाएगा। ऐसे में सभी राशन कार्ड धारकों को नियमों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों में राशन कार्ड धारकों को फ्री गेहूं और चावल का वितरण किया जाता है। ये वितरण पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत किया जाता है। अब योजना में गेहूं की जगह चावल दिया जाएगा। मंकी पॉक्स को लेकर यूपी में सतर्कता, स्वास्थ्य विभाग तैयार कर रहा है गाइडलाइन। अमेरिका सहित कई देशों में मंकी पॉक्स की बीमारी को लेकर प्रदेश में सावधानी बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर गाइडलाइन तैयार कर रहा है। बुधवार शाम तक इसे जारी किया जा सकता है। दुनिया भर में इसके मरीजों की संख्या करीब 100 तक पहुंचने के बाद WHO की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। राज्य सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर विकास सिंधु अग्रवाल ने बताया कि केंद्र के सावधानी बरतने के निर्देश के बाद स्वास्थ्य महानिदेशालय गाइडलाइन तैयार कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था की जा रही है। यूपी में अब बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर रोजगार मिलने वाला है। इस रोजगार मेले के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की कवायद शुरू की जा रही है। राज्य के 25,000 युवाओं को रोजगार मिल सकता है। इतना ही नहीं, रोजगार मेले में नौकरियों के अलावा कैंडिडेट्स को अप्रेंटिसशिप और कैरियर काउंसलिंग की सुविधाएं दी जाएंगी। 75 जिलों में 30 मई 2022 को रोजगार मेला लगने वाला है जिसके जरिए युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। यूपी बोर्ड का रिजल्ट पर बड़ा बदलाव, ईमेल पर भी भेजे जाएंगे हाई स्कूल और इंटर परीक्षा परिणाम। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और छूटे परीक्षार्थियों के लिए प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन के बाद अब यूपी बोर्ड रिजल्ट की तैयारियां कर रहा है। इसी बीच परिषद के द्वारा विभिन्न जनपदों में 10वीं और कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं की ईमेल आईडी बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। किसानों के खाते में हर साल आएंगे 42,000 रूपये, बस इन दो योजनाओं में दर्ज करा लें अपना नाम। क्या आप किसान हैं और हर साल 42,000 रूपये का फायदा उठाना चाहते हैं तो आज हम आपको दो योजना बताने जा रहे हैं।
जिसके तहत आपको मदद मिल जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार किसानों की वित्तीय सहायता आर्थिक विकास के लिए योजनाएं चला रही है। पहली योजना पीएम किसान मानधन योजना है, जिसके तहत किसानों को पूरे साल में 36,000 रुपए दिए जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण योजना पीएम किसान योजना है, इसके तहत किसानों को खाते में हर साल 6,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं, यानी कि कुल 42,000 रुपए साल भर में आप प्राप्त कर सकते हैं। यूपी में मौसम ने ली करवट, ठंडी हवाओं ने दी राहत, 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मौसम ने करवट ली और तेज हवा व आंधी पानी से लोगों को गर्मी से राहत मिली। कई दिनों से भीषण गर्मी और लू के सितम से लोग परेशान हैं। बुधवार को 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत अलग अलग जिलों में 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कई जिलों में गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है। 28 मई तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर छुटपुट बारिश हो सकती है। हालांकि गर्मी से अभी पूरी तरह से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। महंगाई रोकने मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला, चीनी के निर्यात पर लगाई सशर्त पाबंदी। बेलगाम होती महंगाई पर काबू पाने के लिए मोदी सरकार लगातार हरकत में है। पिछले 10 दिनों में एक के बाद एक बड़े फैसले लिए हैं। इनमें गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध और पेट्रोल की कमी के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने जैसा बड़ा कदम शामिल है। ऐसे में कल सरकार ने अहम फैसला लिया है, जिससे चीनी की मिठास बनी रहे। सरकार ने साल चीनी के निर्यात की मात्रा तय करने का फैसला लिया है, यानी कि अब 2021-22 चीनी सीजन में निर्यातक 100 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी निर्यात नहीं कर पाएंगे। तो ये रही दिनभर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल 3 न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले।